नमस्कार, मैं हूं सुशील पाठक और दोस्तों मैं सदर बाजार में हूं केवी पेन स्टोर में और मेरे साथ यहां के ऑनर हैं मिस्टर मनीष जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों यहां पे मैं आपको स्टेशनरी आइटम्स दिखाने वाला हूं, यानी कि बच्चों के स्कूल में यूज होने वाले हर आइटम, चाहे पेंसिल की बात करें, पेन की बात करें, इरेजर की बात करें, शार्पनर की बात करें या फिर पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, वह हर तरह के आइटम आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको सैंपल के तौर पर यह दिखा रहा हूँ, तो काफी अच्छी और अट्रैक्टिव रेंज होने वाली है। अगर इसकी आप स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छे रेट में यहाँ से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपके यहाँ स्टेशनरी आइटम्स जो भी शुरू होते हैं वो उनकी रेंज कहाँ से शुरू होती है, या सपोज अगर हम इसकी बात करें तो इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है? सर इसमें जैसे मैग्नेट वाले पेंसिल बॉक्स होते हैं, इसमें हमारे पास जो रेंज शुरू होती है वो 38 रुपीज पर पीस से रेंज शुरू हो जाती है। ये 156 रुपीज का पर पीस है जो आप देख रहे हैं। और रिटेल की अगर बात करें तो सर जनरली ये 300-400 के आसपास में पर पीस सेल होता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये 156 रुपीज का बॉक्स आप 300-400 तक में अपने एरिया के हिसाब से सेल कर सकते हैं, तो काफी अच्छी मार्जिन के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं अभी ये प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक अनुमान दे रहा हूं कि इस प्रोडक्ट में भी, इस बिजनेस में भी आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो बिजनेसेस हैं ये कम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रेंज की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको ये बिजनेस एक छोटे स्टार्टअप के तौर पर दिखा रहा हूं और यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव रेंज से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब माल डिलीवरी करानी हो तो? बिल्कुल सर, हम लोग ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग उनके शहर तक माल भिजवा देते हैं। बाकी फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जहां पर होती है वहां से जाके उन्हें माल अपना लेना होता है, छुड़वाना होता है उधर से। और सर पेमेंट के टर्म्स की बात करें तो पेमेंट आप कैसे लेते हैं? अकाउंट में ट्रांसफर ले लेते हैं, कैश से पेमेंट ले लेते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको पेमेंट के लिए भी कोई किसी भी तरह की टेंशन की जरूरत नहीं है। आप चाहे कैश नहीं कैरी करना चाहते हैं तो आप इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं और बाकी अदर आप पेमेंट के टर्म्स के लिए सर से खुद ही बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ का एड्रेस और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए सर के साथ देखते हैं यहाँ के मिलने वाले प्रोडक्ट्स और उनकी रेंज। तो दोस्तों सर अब हम यहाँ से प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। जी सर। हाँ जी सर, सबसे पहले हम पेंसिलों से शुरुआत करते हैं। जी, तो पेंसिलों में हमारे पास कम से कम 10 से 15 तरह की हमारे पास क्वालिटियाँ मिल जाती हैं। जैसे आप है देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक क्वालिटियाँ भी आपके सामने वो लगी हुई हैं। जी, तो इसमें जैसे हम नटराज की बात करते हैं, अप्सरा की बात करते हैं, डॉम्स की बात करते हैं, सबकी पूरी रेंज हमारे पास में मिल जाती है। जी जी, जैसे नटराज की है, प्ले बॉय आजकल काफी फेमस हो रही है, राइट सर, और उसके बाद में नटराज की पिक्चर, यहाँ से ये 135 का पूरा पैकेट पड़ता है। ओके, एक पैकेट में सर कितने पीस होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं? 10 बॉक्स होते हैं और 100 पेंसिल्स होती है। ओके ठीक है सर। उसके बाद ये नटराज पिक्चर आ जाती है 194 रुपीज में, ये भी 100 पेंसिल का बॉक्स होता है सर, प्लस 10 शार्पनर्स। ओके 10 शार्पनर्स भी होते हैं। क्या रेट बताया सर आपने इसका? 194, 194 रुपए में आपको यहाँ से मिलने वाला है। जी, और ये 244 की होती है हमारे यहाँ पे। ओके, इसमें 100 पेंसिल्स प्लस 10 इरेजर प्लस 10 शार्पनर। ओके, तो दोस्तों आपको काफी अच्छी रेंज यहाँ पे नटराज की भी मिलने वाली है काफी अच्छे प्राइस में। आइए अगली कंपनी देखते हैं हम। फिर उसके बाद में जैसे डॉम्स वगैरह की आ जाती हैं पेंसिलें। जी, डॉम्स की एक ये आ गई, डॉम्स नियॉन आर्टी, ये 338 की होती है। ओके 338 रुपीज, ठीक है सर। हाँ, ये भी 100 पेंसिल का सेट होता है। हाँ जी, 100 पेंसिल्स प्लस 10 शार्पनर्स। ओके ठीक है सर। फिर उसके बाद डॉम्स Y1 प्लस आ जाती है, राइट सर, ये भी पेंसिल है सर। हाँ जी, इसमें भी 100 पेंसिल है। बिल्कुल 100 पेंसिल्स 255 रुपीज की। ओके 255 रुपए में। डॉम्स भी आजकल काफी ज्यादा मतलब प्रचलन में है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर उसके बाद डॉम्स जूम आ जाती है, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लोगों को कॉस्टली लगती है। जी, और इसमें जैसे एक्चुअली होता क्या है, इसमें स्कीम आती है कि आपको हर डब्बी में रबर शॉर्पनर जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, राइट सर, साथ में ये आपको 20 शॉर्पनर्स एक्स्ट्रा फ्री मिलते हैं। ओके ठीक है सर। फिर उसके बाद डॉम्स की फ्यूजन पेंसिल आजकल काफी ज्यादा चल रही है, राइट सर। ये जूम वाला क्या रेट बताया सर आपने? 385, ठीक है सर। इसमें फिर एक ये थोड़ी कॉस्टली में आ जाती है ये पेंसिल। जी, ये 7 रुपीज पर पीस की इसकी एमआरपी होती है। ओके फ्यूजन की, ठीक है सर।
ये इसमें 180 पेंसिल होती हैं इस पैकेट में पूरे में, ठीक है सर। 940 रुपीज का पूरा पैकेट पड़ता है। ओके, तो इसकी क्वालिटी भी तो काफी बढ़िया होती होगी सर। हाँ जी सर, रेट जिस हिसाब से क्वालिटी भी। तो सर अगर एक पेंसिल की बात करें, सपोज इस पेंसिल की बात कर रहे हैं, एक पेंसिल कितने की पड़ेगी सर? एक पेंसिल आपको ऑलमोस्ट 5 रुपीज के आसपास वो पड़ जाती है, ठीक है सर। और ये 7 रुपीज में सेल होती है, ठीक है सर। तो मतलब काफी अच्छी मार्जिन है इसमें भी, ठीक है। जो रबर शॉर्पनर इसके साथ में जो आता है वो सिंगल पीस में आता है, राइट सर। और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड में है वो चीज, अभी बच्चे काफी ज्यादा उसके पीछे मतलब उसका क्रेज है मार्केट में, राइट सर। ठीक है सर, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो। ये वाला इसका जो रबर शॉर्पनर होता है। ओके दोस्तों, काफी यूनिक और बच्चों के लिए काफी डिमांडिंग आइटम है, काफी खूबसूरत ये रेजर और शॉर्पनर साथ में दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, ये कितने पैक में मिलेगा? सर ये पूरी बॉक्स जैसे आप वो लेते हैं उसके साथ में आपको वो मिलता ही है जी। आपका ये 18 बॉक्सेस का पूरा पैक है, राइट सर। तो उसमें ये आपको 18 ऐसे रबर और शॉर्पनर जो है वो साथ में फ्री आते हैं, राइट सर। ठीक है सर, नेक्स्ट आइटम हमारे पास पेनों में, जैसे लिखो फेको आजकल सबको बड़ा पता होता है कि हाँ जी लिखो फेको वाले पेन 2 रुपए में 3 रुपए में हर कोई मांग रहा होता है, बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास काफी वैरायटी होती है, जैसे ये स्टार्टिंग रेंज हो जाती है इसकी, ये 19 रुपीज के 20 पेन होते हैं। ओके, 19 रुपए के 20 पेन, मतलब 1 रुपए से भी कम में पड़ने वाले पेन है जी, बिल्कुल। और ये रिटेल में 3 रुपए तक में सेल होते हैं सर शायद? नहीं सर, ये जनरली 2 रुपए में ही चलता है, 2 रुपए में, ठीक है। साइज काफी छोटा है तो ये 3 रुपए में नहीं जा पाता है। ओके, यहाँ से हमारी रेंज शुरू हो जाती है, ये 19 रुपीज के 20 पीसेज हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये 21 रुपीज के 20 पीसेज हैं। ओके, उसके बाद हमारे 25 रुपीज में 20 पीसेस, ओके, 27 रुपीज में 20 पीसेस, ठीक है सर। फिर 30 रुपीज में 20 पीसेस, ओके, 34 रुपीज में 20 पीसेस, 36 रुपीज में, 35 रुपीज में, 38 रुपीज में, ओके, मतलब 20 पेन इसमें मिलने वाले हैं। हाँ जी, हर बॉक्स में 20 पेन है, राइट सर। और सर इसके अलावा भी किसी तरह की रेंज है सर? हाँ जी, पेनों में हमारे पास जैसे फिर ये रिफिल, मतलब ये खाली यूज एंड थ्रो वाले पेन आपने अभी दिखाया, ठीक है, अब इसके बाद रिफिल वाले, रिफिल वाले पेन का पूरा हैंगर मिल जाता है, राइट सर। 115 रुपए के ये 60 पीसेज होते हैं, 115 रुपए 60 पीस। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है सर। अगर सर एक पीस की बात करें तो ये आपको लगभग 1 रुपए 91 पैसे के आसपास एक पीस पड़ता है। ओके, और एमआरपी जैसा कि सर इसमें 8 रुपया पर पीस लिखा हुआ है, 8 रुपए तो नहीं, लेकिन यानी कि अगर 5 रुपए में भी बेचे हैं तो काफी अच्छी मार्जिन मिलने वाली है, बहुत अच्छा मार्जिन, राइट सर। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हमारे पास नटराज वगैरह के भी पेन वगैरह वो होते हैं जी, नटराज के पेन का ये पूरा 50 पीसेस का पत्ता है ये। ओके, ये भी रिफिल वाले हैं सर? ये भी रिफिल वाले हैं, ठीक है। 150 रुपीज का पूरा पैक पड़ता है जी, 150 रुपीज, 50 रुपीज। 60 पेन है इसमें? नहीं, इसमें 50 पेन, 50 पेन है, ठीक है सर। एमआरपी इसकी तो 5 रुपए लिखी हुई है, ये नटराज तो मार्केट में एमआरपी पे ही बिकते होंगे सर? बिल्कुल सर, ठीक है। तो दोस्तों काफी अच्छी मार्जिन मिलने वाली है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम जैसे स्केल्स वगैरह, अभी एग्जाम वगैरह का टाइम भी आ रहा है जी, तो स्केल वगैरह में भी हमारे पास काफी वैरायटी होती है जी। तो ये जैसे सबसे हल्की क्वालिटी वाला स्केल है इसमें जी जी, ये 145 रुपीज के 100 पीसेस होते हैं। ओके, 145 रुपए में 100 पीस, हाँ जी, ठीक है सर। फिर इससे ऊपर हमारा ये आ जाता है 330 रुपीज के 150 पीसेस, ओके, ठीक है सर। और इसके बाद में फिर 280 रुपीज के 100 पीसेस, ठीक है सर। 280 रुपए में 100 पीस, ठीक है सर। ये एक कितने का पड़ा सर? 2 रुपए 80 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे का पड़ा, ठीक है सर। फिर उसके बाद बड़े स्केल में भी हमारे पास वैरायटी होती है, 380 रुपीज के 100 पीसेस, ओके, 12 इंचेस होते हैं, 12 इंच के 380 रुपए के 100 पीस, हाँ जी, ठीक है सर। मतलब 3 रुपए 80 पैसे में। और रिटेल की बात कर दो सर, ये 12 इंच वाला कितने में जाता होगा सर? 10 रुपए में चलता है, 10 रुपए में, ठीक है सर। फिर इसी का ये 15 रुपए में बिक्री वाला वो होता है जी, ये 690 रुपीज के 100 पीसेज होते हैं। ओके, मतलब 6 रुपए 80 पैसे में दोस्तों आपको पड़ने वाला है, और 15 रुपए में आप
इसको इजीली सेल कर सकते हैं, तो काफी अच्छी मार्जिन आपको इन स्केल्स में भी मिलने वाली है। तो सर के मैं सारे प्रोडक्ट दिखाने लग गया तो बहुत मुश्किल होने वाली है, तो कुछ गिने चुने प्रोडक्ट ही मैं आपको दिखा पाऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इरेजर भी दिखाता हूँ, जिसे आम भाषा में रबर के भी कहते हैं। तो सर कौन सी रेंज पहले आप दिखाएंगे? सर इसमें जैसे हमारे पास स्टार्टिंग हो जाती है 48 रुपीज के 100 इरेजर होते हैं इसमें। ओके, तो दोस्तों मात्र 48 रुपए में आपको 100 इरेजर मिलने वाले हैं, यानी कि 50 पैसे से भी कम में आपको एक इरेजर पड़ने वाला है। और फिर इसके बाद में ये आ जाता है जार में, ये 51 रुपीज का जार होता है। ठीक है सर। और इसमें 100 इरेजर होते हैं प्लस 2 इरेजर फ्री होते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको काफी अच्छी मार्जिन के साथ में ये इरेजर भी मिलने वाला है। ठीक है सर। हमारे पास नटराज वगैरह के भी इरेजर मिल जाते हैं, जैसे ये आजकल नया आया हुआ है, 1 रुपए की सेल में ही 74 रुपीज के 100 इरेजर होते हैं। ओके, 74 रुपीज के 100 इरेजर होते हैं और मार्केट में 1 रुपए में सेल कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर उसके बाद जैसे नॉन डस्ट वाले इरेजर 90 रुपीज के 100। ओके, ये बड़ा जार है, जैसे आपने छोटा देखा था उसी का बड़ा जार है, इसमें 100+4 इरेजर फ्री होते हैं। ओके, अप्सरा का आजकल ये ब्लैक कलर का इरेजर काफी ज्यादा चल रहा है नॉन डस्ट में, ये 215 रुपए का पूरा पैकेट पड़ता है। ओके ठीक है सर। और सर अगर मार्केट में सेल की बात करें तो एक इरेजर कितने का सेल होता है? ये वाला जैसे है अप्सरा का, ये 3 रुपए की सेल में होता है। Okay. अप्सरा का हमारे पास 5 रुपए की सेल वाले इरेजर भी होते हैं। ओके ठीक है। ये वाला आपका जार जो है ये 2 रुपए में सेल होता है। राइट सर। आज वाला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 1 रुपए की सेल वाला जी, है। बिल्कुल हमारे पास 3 रुपए की सेल वाला भी मिल जाएगा। राइट सर। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पेंसिल बॉक्स भी दिखाता हूँ। जी सर। तो इसमें हमारे पास जैसे प्लास्टिक वाले पेंसिल बॉक्स में ये वेराइटियाँ शुरू हो जाती हैं। राइट सर। ये 165 रुपीज का एक डजन होता है। ओके। फिर उसके बाद जैसे इसमें हल्की क्वालिटी भी आती है, 96 रुपीज का पर डजन होता है। ओके, एक दर्जन की का रेट आप बता रहे हैं सर? हाँ जी, यहाँ सारा हमारा होलसेल का काम हाँ है सर, बिल्कुल हम सबसे कम इसमें एक डजन में ही दी। उसके बाद ये 188 रुपीज का पर डजन होता है। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास जैसे ये हल्के से फैंसी में आ जाते हैं, ये दोनों साइड से खुलने वाला पेंसिल बॉक्स होता है। राइट सर। ये 280 रुपीज का डजन है। ठीक है सर। इसी में एक दूसरी क्वालिटी गेम वाली भी आ जाती है, ये 240 रुपीज का डजन है। ओके। अगर सर अगर एक मिनट सर, अगर इनकी सिंगल पीस की बात करते तो ये कितने का पड़ेगा सर? जैसे ये वाला है ये आपका 20 रुपए पर पीस में आ जाता है। ठीक है सर। इजीली आपका 30-35-40 रुपीज में आपका सेल हो जाता है। जी, क्वालिटी काफी अच्छी है दोस्तों, तो काफी अच्छे मार्जिन के साथ में आप ये भी सेल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास हैवी क्वालिटी में भी आ जाते हैं। जी, जैसे ये वाला पेंसिल बॉक्स देख सकते हैं। राइट सर। जी, ये 98 रुपीज पर पीस का रेट होता है इसका। ओके, ठीक है सर। सबसे भी ऐसे वो खुलता है। ठीक है सर। फिर इसमें मैग्नेट वाले भी हमारे पास पेंसिल बॉक्स होते हैं, जैसे ये एलईडी लाइट वाला है। जी, बच्चे आजकल काफी इसके पीछे हाँ हाँ राइट सर हैं। जी, ये 98 रुपीज में है सर आपके यहाँ? नहीं, ये 78 रुपीज में। ओके ठीक है सर। इसमें फिर कैलकुलेटर वाली रेंज भी आ जाती है, बटन से ऑन ऑफ होने वाली रेंज भी आ जाती है। राइट सर। रेंज इसमें भी काफी सारी है हमारे पास में। ओके दोस्तों, लगभग मैंने आपको यहाँ पे सामान सर के यहाँ मिलने वाले मैंने दिखा दिए हैं, तो यहाँ पे आप और भी आइटम्स मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, जो कि मतलब ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह में भी यूज करने वाले जो आइटम होते हैं, जैसे कंपास वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब कुछ भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्पनर का भी बॉक्स आप देख पा रहे हैं, तो हर तरह की चीज यहाँ पे स्टेशनरी से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नटराज की बात करें या डोम्स की बात करें या अप्सरा की बात करें, हर एक ब्रांड के साथ में आपको कुछ लोकल सामान भी देखने को मिलेंगे। हर तरह की चीज जैसी कि जैसे आपके यहाँ के मार्केट में डिमांड होती है, उस हिसाब से आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं सारे प्रोडक्ट कवर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे शॉप का ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि आपको हर तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे होलसेल रेट में और होलसेल में क्वांटिटी में आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिसको सेल करके आप काफी अच्छी खासी मार्जिन ले सकते हैं। कम अमाउंट में आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं इस बिजनेस को करके। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिखाए गए प्रोडक्ट और यहां के मिलने वाले प्रोडक्ट और उनकी जो प्राइस है वो आपको काफी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी यूनिक आइडिया और नए प्रोडक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।